जनपद जौनपुर के मछली शहर के मोहल्ला उमराना में वीर बाल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नगर के मोहल्ला उमराना में GDBR अकादमी द्वारा आयोजित वीर बाल दिवस का शुभारंभ मछली शहर के CEO अतर सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने दुकान लगाकर बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाया वीर बाल दिवस। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल कमल कुमार मौर्य, CP सर, राकेश सर, सचिन सर, नदीम अंसारी सर, दीपक सर, अजीत सर, मोनी मैम, पूनम गौतम मैम, नीरज सर, सायमा मैम, लालती मैम, नादिरा मैम, श्वेता मैम, बिनू मैम, नुसरत मैम, मनीषा मौर्य, कविता मैम, साहिफा हैदर मैम, सुमैया मैम आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ का प्रबंधन GDBR एकेडमी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हाफिज जी कि आप इतना महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे विद्यालय में आए और बच्चों का आपने उत्साहवर्धन किया। आज इस बाल मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे इस मेले के माध्यम से व्यापारिक कौशल में निपुण और एक इंटरप्रेन्योरशिप का जो मैटर है उनको अभी समझ में आया कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। जब बच्चा खुद की दुकान लगाकर उसे उसमें कोई भी प्रोडक्ट बेचता है इसे एक आइडिया लगता है कि मेरा क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। बच्चा ना चाहते हुए भी मैथमेटिक्स से कई चीज़ें बड़े आसानी से सीख जाता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ओरली करना बच्चा सीखता है। जैसे अभी आप किसी के दुकान से एक टॉफी लेने जाएंगे आप बोलेंगे बेटा एक टॉफी कितने के बोले मैंने 2 रुपये की तो हमें 10 रुपये की बड़ी टॉफी लेनी चाहिए। बच्चा जानते हैं मुझे 5 टॉफी देना तो इसी बहाने काफ़ी को सीख जाता है। दूसरा, 26 दिसंबर हमारे इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट डे है इसलिए हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह साहबजादे जी को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। उन्होंने अपने देश के मान सम्मान के लिए अपना शहादत स्वीकार कर लिया लेकिन अपने पिता के सम्मान को झुकने नहीं दिया और बिना आंसू गिरे वो बच्चे जिंदा जो दीवार में चुनवा दिए गए। उनके इस वीरता को नमन करते हुए अपने वो समय था गुलामी का और आज समय हमारे आर्थिक मजबूती का, तो बच्चे ये जो व्यापारिक कौशल जो जनरेट किया जा रहा है ये भविष्य में अगर आज ये बच्चे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ेंगे तो आगे चल के एम्प्लॉयमेंट की कमी यहाँ पे वैसे भी नहीं होगी और भारत को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत कदम है जिसे GDBR एकेडमी अलग अलग तरीके से हर बार उठाता रहता है। सर तकरीबन कितनी दुकानें कुल लगाई गई यहाँ? कुल यहाँ पे 70 दुकानें लगी हैं। इसमें क्लास 2 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों ने और 9 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सिर्फ आपके ही कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं या अदर? नहीं, सिर्फ मेरे ही विद्यालय के बच्चे हैं। सिर्फ की बाकी जगह अलग अलग समय में बाल दिवस का आयोजन हुआ था तो आज मेरे विद्यालय में है तो इस वजह से जो है ये दुकान सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चों ने लगी। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि बच्चों में अभी से व्यापारिक कौशल या अलग अलग स्किल का जनरेशन करना हमें सीखें। हमेशा ये ना सोचें कि इतना ट्रेडिशन है कि नहीं मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बच्चों में जो भी गुण है उसका उन्हें प्रदर्शन करने का मौका मिलना चाहिए और उनके हिसाब से उनको डेवलप करना चाहिए। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत